ये जो बेसिकली वीडियो है ये मेगा वीडियो होने वाला है, और ये मतलब पूरा वीडियो का मेरा कलेक्शन है। ये जो भी मैंने दुर्गा पूजा में वीडियो बनाया, तो इसमें इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा दुर्गा पूजा का हर एक पंडाल जमशेदपुर का आपको देखने को मिल जाएगा। तो लो स्टार्टिंग करते देखो। हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, दिस आशीष, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल जमशेदपुरी आशीष। तो ये जो बेसिकली आप वीडियो देख रहे हो, ये आपका गोलमुरी का वीडियो है, जहाँ पर कि तिब्बत मार्केट लगता है, जो कि मोर के शेप में बनाया गया है, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। तो आप लोग इस दृश्य को देखो और इन्जॉय करो, और ऐसे ही आपको इस वीडियो में बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव सब के सब आज ही अपलोड होने वाला है। आज या फिर कल मॉर्निंग तक सारा का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कोशिश करूंगा कि आज ही अपलोड हो जाए टोटल पार्ट। तो सारा का सारा पार्ट का आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल में जाओ, वहाँ से फाइंड करो, आपको मिलना ही मिलना है वो एरिया का। तो देखो, जय माँ दुर्गे। काफ़ी खूबसूरत पंडाल बना हुआ है, साथ साथ माँ की प्रतिमा भी काफ़ी ज़्यादा सुहावनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन भावन प्रतिमा है माता की, जय माता दी। आप लोग देखो, इंजॉय करो। और ये जो भी इस वक्त आप पंडाल देख रहे हो, दूसरा पंडाल ये है आपका आकाशदीप प्लाजा, ये रहा, और जस्ट उसके बगल में ये पंडाल बनता है। ये भी काफ़ी मतलब शांति वातावरण में पंडाल को बनाया जाता है। पहले यहाँ पर मेला वगैरह नहीं लगता था, लेकिन अब से पंडाल में यहाँ पर ही मेला वगैरह लगेगा। साइड साइड में आप लोग देख सकते, देखना मैं ज़रूर दिखाऊँगा कि मेला वगैरह यहाँ पर भी लगा हुआ है। थोड़ा बहुत झूला वगैरह, कुछ शॉप्स वगैरह, पूजा को दीजिए सामान वगैरह, झूला वाला सब कुछ। तो यहाँ की जो भी प्रतिमा जो है, वो उसको अभी स्थापना नहीं किया गया, सो दिस सीजन में अभी अंदर नहीं घुसा हुआ हूँ। मैं जस्ट आपको बाहर से ही पंडाल दिखा रहा हूँ, देख सकते हो अंदर में अभी प्रतिमा जो है वो पूरी तरह से अभी स्थापित नहीं है, अभी बनाया जा रहा है मूर्ति के जस्ट बगल में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे मेन पंडाल की ओर, वो है एग्रिको का द मोस्ट फेमस ऑफ जमशेदपुर पंडाल। जमशेदपुर का सबसे ज़्यादा फेमस पंडाल, सबसे ज़्यादा डिटेल्ड पंडाल जो लगा, वो मुझे यही लगा कि इतना ज़्यादा इस पंडाल में डिटेलिंग किया गया है ना, बिकॉज ये एक मंदिर के मतलब फॉर्म में बनाया गया है। और देख सकते हो साउथ का एक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सा मंदिर है। मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया हुआ था, अगर आप मेरा वीडियो देखते होगे तो शॉर्ट्स में आप लोग 100% पता चल चुका होगा। तो आप लोग इसका पूरा डिटेल वीडियो देखो, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने इस वीडियो को बनाया, और काफ़ी ज़्यादा इसमें नक्काशी जो है ना, जो मंदिर के दीवार पर नक्काशी वगैरह किया गया है, बहुत बहुत खूबसूरत है। और मंदिर देखने में आपको कैमरा में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में यार बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कैमरा में यार अच्छा से मतलब क्या बोला जाए, इस मंदिर के साथ में यार मतलब अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसका वीडियो नहीं बन पा रहा, क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतना बेटर नहीं है मेरा। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे देखोगे ना, जमशेदपुर के आसपास में एग्रिको वाले एरिया में, तो आपको ये पता चलेगा कितना ह्यूज ये पंडाल है और कितना खूबसूरत है ये पंडाल। तो देखो आप लोग धीरे धीरे हर कुछ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरा डिटेल देखो विथ म्यूज़िक और इन्जॉय करो। तब तक सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो यार, या कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर, शेयर वगैरह कर दो, मन कर रहा तो थोड़ा मेरा भी हेल्प हो जाएगा। चलो जय माता दी का नाम लेकर के आप लोग देखो, जय माता दी।
जैसे ही आप एग्रिको से आप साक्षी की ओर जाओगे तो बीच में जो एक होम पाइक वाला एरिया पड़ता है जहाँ पर कि बजरंगबली की विशाल मूर्ति है, जय श्री राम जय हनुमान, यहाँ पर भी एक काफ़ी प्यारा सा पंडाल बनता है तो देख लो। यहाँ पर भी दुर्गा माँ का भी जो मूर्ति जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनका जो फेस जो है वो भी ढका हुआ है। सो दिस इज़, मैं अभी अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं बाहर से ही पंडाल आपको दिखा रहा हूँ, देख लो आप लोग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे ये पंडाल देख करके। देखो आप लोग बगल से बजरंग बली का आशीर्वाद लेते रहो और देखो इस पंडाल को, इसके बाद में हम लोग आपको एक और पंडाल दिखाएंगे। तो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं साक्षी के मोस्ट फेमस और जिसका काफ़ी ज़्यादा हाइप हो रहा था पंडाल का कि वो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त पंडाल बनता है वगैरह वगैरह। नो डाउट यहाँ पर हमेशा की तरह पंडाल काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाया है और काफ़ी डिफरेंट तरीका का बनाया है, लेकिन इस पंडाल को पूरा तरीका से बनाया नहीं जा सका है, जो कि आपको देख करके जब मैं सामने जाऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस पंडाल का जो डिटेल है उस तरह से डिटेलिंग वगैरह नहीं की जा पाई है, वरना अगर इस पंडाल का पूरा डिटेलिंग करके बनाया जाता ना तो फिर ये पंडाल नंबर वन में रहता। तो चलो हम लोग सामने से देखते हैं, भोले बाबा का दर्शन कर लो, हर हर महादेव, और उसके बाद में हम लोग अभी अंदर चलते हैं इस पंडाल के। पंडाल बेसिकली बरगद पेड़ के फॉर्म में बनाया जा रहा था, बरगद पेड़ को शायद एक माँ की तरह दिखाया जाता है और जिसके कि अंदर एक पूरी दुनिया बसी है, जानवर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं और बहुत सारे मंदिर रहते हैं, इस तरीके से इस पंडाल को बनाया जा रहा था। और देख सकते हो एक आँख हल्का सा खुला है, एक आँख बंद है। पंडाल का डिटेल जो है उस तरह से नहीं किया जा सका बिकॉज बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, जिसके कारण कि बहुत सारा जो कलाकारी है वो नहीं दिख पाया पंडाल बनाने में। लेकिन चलो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, पूरा जानवर आप लोगों को दिखाई देगा, बहुत कुछ दिखाई देगा। आप लोग म्यूज़िक के साथ में देखो, आप लोग दर्शन करो माता का, जय माता दी। नेक्स्ट वीडियो में आपको साक्षी के और भी पंडाल, बिष्टुपुर के, आदित्यपुर के, मानगो के, बारीडी के, सीतगोड़ा के, हर पंडाल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून, चैनल में जाओ, सब्सक्राइब करो और चैनल का वीडियो लिस्ट देखो, उसमें आपको मिल जाएगा या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन में तो अवेलेबल रहेगा ही। देखो ये जो हम लोग वीडियो भी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका मतलब टोयला डुंगरी है,
जो कि साक्षी के जो जेआरडी स्टेडियम नहीं जेआरडी जो कॉलेज है जस्ट उसके बगल में ये होता है या फिर कृष्ण मंदिर के जस्ट बगल में है ये। सो देख सकते हो ये पूरा का पूरा पंडाल को एकदम इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। देख सकते हो झारखंड के मतलब जो कबीले होते थे पहले उस तरीके के मतलब बेस पर इसे बनाया गया है। तो पूरा का पूरा ये पंडाल जो है ना पुआल से बना हुआ है, जैसे कुट्टी पुआल या फिर जो चावल के जो बोल सकते हो जो पेड़ होते हैं उससे, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। और अभी यहाँ पर आपको भी सरप्राइज़ देना बाकी है, जैसे ही आप अभी अंदर घुसोगे ना पंडाल के तो आपको एक झटका लगेगा, एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पंडाल के अंदर में और आप ये देख सकते हो भाई साहब क्या ज़बरदस्त मतलब खूबसूरत पंडाल है ये। देखते रहो पूरा तरह से इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको कहा था आप लोगों को सरप्राइज़ मिलेगा, तो ले लो आप लोगों को मिल गया सरप्राइज़। पूरा का पूरा कबीले वालों का यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। साइड साइड में आप लोग इसका नक्काशी को देखो, और भी बहुत सारी जो चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको दिखाई देने को मिलेगा। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है वो जस्ट इसके एक और कक्ष बनाया गया है उसमें है। तो पहले आप लोग इस पूरा वीडियो को एक्सप्लेन करके देखो विद म्यूज़िक, देन उसके बाद में माँ दुर्गा का आपको प्रतिमा दिखाई देगा। और ये रहा साक्षी का दूसरा पंडाल। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये पार्ट टू है, पार्ट वन अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाके स्क्रॉल करके देख लो, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में दिखाया था स्क्रीनशॉट करके, या फिर आपको लिंक तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो ही जाएगा। ये जो साक्षी सब्जी सब्जी मंडी का पंडाल है जो कि डायमंड के बगल में है, डायमंड अगर आप लोग जमशेदपुर से हो काफ़ी पुराने से रह रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि डायमंड बेसिकली एक शॉप का नाम है। तो देख सकते हो इस पंडाल को भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, त्रिशूल चारों तरफ से लगाया गया है, यहाँ पर शिवलिंग आगे में जय हो भोले बाबा। और यहाँ पर एक पंडाल का खास बात यह रहता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर अलग से शायद रखी जाती होगी, लेकिन यहाँ पर मेन जो पूजा होता है वो भगवान शिव का किया जाता है, माता पार्वती के साथ में। शिव और शक्ति दोनों का यहाँ पर ही मूर्ति जो है इसे एक साथ रखा जाता है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और विथ म्यूज़िक आप लोग देखना। और यहाँ पर भगवान शंकर के अलग अलग रूपों को भी दिखाया गया है, जलंधर, अंधक और भी बहुत सारे रूप को। तो आप लोग चलो
और देखो और इंजॉय करो और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। और ये जो बेसिकली आप पंडाल देख रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पंडाल है। ये बिष्टुपुर जो वुमेंस कॉलेज है, जस्ट उसके पीछे में जो एक मैदान है, उस मैदान में ही इस पंडाल को बनाया जाता है। तो देख सकते हो इस पंडाल का भी मतलब बात ही निराला है। पूरा हाथी शेर बाहर में रखा गया है, एक महल की तरह ये पंडाल लग रहा है। और इसका अंदर की नक्काशी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलने वाला है। तो चलो इसका पूरा आप लोग स्ट्रक्चर देखो पंडाल का, और अंदर से पूरा नक्काशी जो किया गया उसे भी देखो विथ म्यूज़िक। और फिर मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो में भी अगर आप लोगों ने फॉरवर्ड कर करके देखा होगा तो पूरा वीडियो आज के दिन ही अपलोड होने वाला है। सो डोंट टेक टेंशन, आप लोगों को जमशेदपुर का हर एक एरिया का वीडियो आप लोगों को देखने मिल जाएगा। तो पार्ट वन लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, देख लो, या फिर मेरे चैनल पर जाओ, उसे मेरे चैनल को आई मीन टू से वीडियो वाला सेक्शन में जाओ, देन आप देख लो वहाँ से। तो चलो माता दी का नाम ले करके जय माता दी, आप लोग इस पंडाल को देखो और दर्शन करो। और ये जो आप अभी पंडाल इस वक्त देख रहे हो, ये है रानी कुदर, जो कदमा के जो पुलिस स्टेशन है। अगर आप उससे अंदर की तरफ घुसोगे, लेफ्ट की तरफ लोगे, तो रानी कुदर एक एरिया पड़ता है और ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पंडाल होता है। जमशेदपुर वासियों को सबको पता है कि ये रानी कुदर का पंडाल कितना ज़्यादा वैल्यू रखता है उनके लिए, हम सब के लिए। तो इस पंडाल को नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाया गया है। मेरा कैमरा जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है यहाँ पर। इस पंडाल का लुक और कलर नो डाउट काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी खूबसूरत है।
तो इस पंडाल को भी आप लोग देखो। और इस पंडाल का भी नक्काशी जो है अंदर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से किया गया है विथ म्यूज़िक। आप लोग इस पंडाल को भी देखो और माता का प्रतिमा का दर्शन करो और आशीर्वाद लो। ये देखो गणेश जी बाहर में है और यहाँ पर भी पूरा पानी वगैरह गिर रहा है, इस तरीके से बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को देख करके भी पता चल रहा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, कैमरा मेरा यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है, कलर कुछ डिफरेंट है, कलर बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर है। तो आओ और देखो। और ये जो अभी इस वक्त आप पंडाल देख रहे हो, ये राम मंदिर जो है बिष्टुपुर वाला रंकनी मंदिर, जस्ट उसके बगल वाला ये पंडाल है। ये कदमा का पहला पंडाल है ये, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कदमा के और भी पंडाल्स देखने को मिलेंगे, सोनारी के भी और पंडाल देखने को मिलेंगे, मानगो के और भी बहुत सारे पंडाल आपको देखने को मिलेंगे। जो मैं मंदिर का बात कर रहा था यही वो मंदिर है, और जस्ट इसके बगल में ये पंडाल बनता है हर साल। तो चलिए आप लोग इस पंडाल का भी दर्शन करिए और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मैं बोल रहा हूँ फिर से लास्ट बार भी, सारा वीडियो आज के दिन ही अपलोड होगा टोटल जमशेदपुर का, तो स्टे ट्यून, चैनल में बने रहो। और ये देखो ये रहा दूसरा पंडाल। चलो इसके अंदर चलते हैं और आप लोग दर्शन करो विद म्यूज़िक। फटाफट से सब्सक्राइब वगैरह भी कर दो। और ये जो आप पर्टिकुलर जो अभी ये पंडाल देख रहे हो, ये जो पंडाल है ये गणेश पूजा मैदान में जो दुर्गा माता का बनता है कदमा वाला एरिया का, ये वहाँ का ये पंडाल है, ठीक है। सो देख लो कैसा पंडाल है। चलो इसके अंदर अंदर से अभी आपको माता के दर्शन करवाते हैं। काफ़ी प्रॉपर पंडाल बनाया गया है, जगन्नाथ बाबा का आगे में फ़ोटो भी है। सो चलिए अंदर चलते हैं, ऊपर में शिवलिंग है और आपको पूरा प्रॉपर व्यू यहाँ से मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ।
और ये देखो जस्ट उसके उस तरफ में पूरा मेला वगैरह लगा हुआ है, तो मेला वगैरह हम लोग नहीं जाएंगे, आप लोगों को सिर्फ हमें भी मतलब पंडाल आई मीन टू से पंडाल का ही मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखो हाथी वगैरह मैं प्रॉपर डिटेल वाइज में दे रहा हूँ, तो विथ म्यूजिक आप लोग इस पंडाल को इंजॉय करो, देखो दर्शन करो माँ दुर्गा का। और ये रहा सेकंड पंडाल, ये जो पंडाल देख रहे हो ये कालीबाड़ी एरिया का ये पंडाल है, काली माता के मंदिर के जस्ट बगल में बनता है, जो कि लॉयला स्कूल जो बिष्टुपुर में है, लॉयला स्कूल के जस्ट बगल में काली माता का मंदिर है जिसे कि कालीबाड़ी बोला जाता है, और ये पंडाल वहीं पर बना है। या अभी ये पंडाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो ये मैं 6th डे को बना रहा था इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन, आज तो 7th डे है जिस समय मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आज तक तो ये पंडाल पूरी तरह से बन चुका होगा। और माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भव्य लग रही है, तो देखो आप लोग और दर्शन करो विद म्यूजिक। और अब हम लोग उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं इस पंडाल की ओर। उड़ते उड़ते मैंने क्यों कहा तो आप लोग समझ गए जी, हम लोग अभी हैं द फ्लाइंग एरिया ऑफ जमशेदपुर सोनारी में, जी हाँ। और जस्ट मेरे पीछे में जो है वो आपका एयरपोर्ट है, टाटा स्टील का एयरपोर्ट, जस्ट एयरपोर्ट के सामने में यह पंडाल बनता है, मैदान है जहाँ पर सब्जियाँ वगैरह भी बिक रही होती हैं। सो देख लो इस पंडाल को। अभी पंडाल का जो अंदर में मूर्ति है माता का, इस 6th डे का था, सो उस दिन मूर्ति का फेस ढका हुआ है, सो दिस सीजन मैंने वीडियो अंदर से नहीं बनाया, मैं बाहर से ही बना रहा हूँ। प्रूफ के लिए मैं आप लोग इस मैदान को भी दिखा देना चाहता हूँ, ये देख लो। और ये अपनी धन्नो खड़ी है, और ये रहा जस्ट उधर तरफ में एयरपोर्ट है, वो दीवार के उस तरफ में पूरा एयरपोर्ट है, टाटा स्टील का प्राइवेट एयरपोर्ट है वो। और यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह मिलती है, और यहाँ पर हर साल की तरह इस साल भी पंडाल बना है। पंडाल सिंपल सा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एरिया है, यहाँ पर आप लोग आकर के अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो शाम के शाम। होप यू अंडरस्टैंड, तो म्यूज़िक सुनो और इन्जॉय करो मैन। और ये जो अभी आप पंडाल देखने वाले हो ये कहाँ का है बताओ। जी हाँ, आप लोग जमशेदपुर से तो समझ चुके होंगे, ये है आम बगान का पंडाल जो कि हर साल काफ़ी सिंपल बनता था, लेकिन एक मिनट, ये तो सिंपल नहीं बना है, ये तो एकदम धमाकेदार ज़बरदस्त एकदम क्या बोला एकदम मक्खन की तरह यह पंडाल बना है। एक पुरानी हवेली के बेस पर इस पंडाल को बनाया गया है, सो देख लो इस पंडाल को। कभी भी इतना खूबसूरत पंडाल यहाँ पर इस लोकेशन में कभी नहीं बना था, आम बगान में, साक्षी आम बगान में। तो चलो इस पंडाल का आप लोग दर्शन करो, आप लोगों को फील होगा ना कि आप लोग कोई बहुत कोई लग्जरी हवेली जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है उसके अंदर आप लोग अभी प्रवेश कर रहे हो। क्या प्रॉपर वे में इस बनाया गया है यार, देखने से फील ही नहीं हो रहा कि कोई पंडाल है। सो आ करके देखो, और नहीं देख सकते हो तो मेरा वीडियो देख करके लाइक सब्सक्राइब भी कर दो बीच बीच में मैन।
और अब हम लोग जमशेदपुर से हट करके हम लोग आ गए हैं मुंबई में। मैंने मुंबई क्यों कहा, जी हाँ, ये जमशेदपुर का ये छोटा मुंबई है, यानी कि मानगो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, एकदम आपको मुंबई का फील आ जाएगा अगर आप लोग मानगो में रहते हो तो, या नहीं रहते हो तो चल जाओगे तो आप लोगों को फील आ जाएगा। तो ये बेसिकली हीरा होटल के जस्ट बगल में यह पंडाल बनता है, काफ़ी फेमस पंडाल होता है यह मानगो का। और इस साल जो ये बना हुआ है, ये केदारनाथ धाम बना हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। हर हर महादेव का नाम भी लिख दो यार कमेंट सेक्शन में। तो देख सकते हो, मैं ऐसे भी आपको मैं प्रॉपर डिटेल वाइज में दिखा रहा हूँ। जय श्री केदारनाथ। यहाँ पर आपको नंदी महाराज भी विराजमान है, एकदम भगवान शंकर की ओर फेस अपना करके। नंदी महाराज जिस भी ओर अपना फेस इंडिकेट कर दें तो समझ लेना चाहिए कि उसी ओर भगवान शिव विराजमान होते हैं, ऐसा हमारे धर्म में माना जाता है। सो देख सकते हो नंदी महाराज का फेस भी एकदम इंडिकेट करता हुआ मंदिर की ओर। तो चलिए चलते हैं हम लोग पंडाल की ओर और भगवान शिव का आपको मैं दर्शन करवाता हूँ, माँ दुर्गा का। सो विथ प्रॉपर म्यूज़िक आप लोग देखो फटाफट से। एक और ये पंडाल है, सेकंड पंडाल मानगो का। जी हाँ, ये मानगो का ही है, ब्लू वेल्स स्कूल के सामने में, मधुसूदन फ्लैट्स वगैरह जहाँ पर हैं जस्ट उसी के बगल में ये पंडाल बनता है। और ये भी काफ़ी यूनिक सा पंडाल बना है, एकदम वाइट कलर है। मेरा मोबाइल जो है, आई मीन टू से जो कैमरा है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है पंडाल को, ये काफ़ी ज़्यादा वाइट है, काफ़ी ज़्यादा वाइट है। तो चलिए हम लोग इसके अंदर में आपको भी दर्शन करवाते हैं विथ प्रॉपर म्यूज़िक। इस पंडाल को बनाया गया है गरुड़ महाराज के मतलब बेस पर, इसे बनाया गया है। देख सकते हो दोनों तरफ गरुड़ जी हैं और पंडाल नो डाउट यार काफ़ी यूनिक और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये जो बेसिकली आप पंडाल देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा खास पंडाल है। जी हाँ, बाहर से देखने में आपको ये खास नहीं लग रहा होगा। जैसे आप एग्रिको से बारीडी की ओर आओगे, सीतगोड़ा की ओर, तो आपको बीच में गड्ढा मैदान मिलता है, L4 एरिया, जैसे कि देख सकते हो बगल में उसका पोस्टर भी लगा है। तो L4 एरिया में ही ये पंडाल बनता है, एक गड्ढा टाइप का मैदान है उसी में। और ये पंडाल आपको देखने में ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आप इस पंडाल को मैं आपको एक्सप्लोर करके प्रॉपर वे में मैं आपको शो करूँगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस पंडाल को इतना ज़्यादा खास क्यों बोल रहा हूँ। काफ़ी अंधेरा लग रहा है, लेकिन अभी आप जैसे ही अंदर जाओगे आपको
विश्वास नहीं होगा यार कि क्या क्या आपको देखने को अंदर में मिलेगा। पूरा आदि मानव देखने को मिलेंगे, माता की काफ़ी खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट तरीका के कल्चर्स, जानवर्स के पोस्टर्स, पुतले वगैरह, ये सब चीज़ आपको दिखाई देने को मिलेगा। तो बिना टाइम पास के लिए आप लोग इस पंडाल को देखो और इन्जॉय करो सब्सक्राइब करते हुए। फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं श्री छत्रपति शिवाजी के पंडाल में। और ये पंडाल जो है वो काफ़ी बड़ा साइज का है, ह्यूज साइज का है पंडाल। आप लोगों को शायद ऐसे पता ना चल रहा हो, लेकिन ये जो सामने में एक आदमी चल रहा है उसे आप लोग पता लगा सकते हो कि पंडाल का साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। सो चलिए इस पंडाल को भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी की आपको मूर्ति देखने को मिलेगा, और तो और उनका जीवनी के बारे में भी अंदर में आपको देखने को मिलेगा, उनके फ़ोटोज़ वगैरह, पोस्टर्स वगैरह। और उन्हें अफजल खान को मारा था जिस खतरनाक तरीके से, वो भी आपको पूरा शो होगा अंदर देखने को मिलेगा। टोटल चीज़ आपको इस पंडाल में देखने को मिलेगा। पंडाल किसी एक पैलेस की तरह लग रहा है देखने में, राजवाड़ा पैलेस की तरह। सो चलो अंदर में आप लोग को विथ म्यूज़िक दिखाते हैं, और आप लोग पूरा इन्जॉय करो इस पंडाल को देख करके, और माता का ब्लेसिंग लो। जय भवानी, जय शिवाजी। Oh,
और हम लोग आ गए हैं सीतगोड़ा को पार करके द मोस्ट छपरी एरिया ऑफ जमशेदपुर, द बारवी डी मैन, बारवी डी। जस्ट फॉर जोक्स यार, एक मजाक था, सीरियस मत लेना इसे। सो यहाँ पर भी पंडाल जो है काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, एक पुआल से और बांस के लकड़ी से इस पंडाल को पूरा का पूरा बनाया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली पंडाल है, तो चलिए इसका भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ विथ म्यूज़िक। ये बारीडी कहाँ का है मैं आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ। ये बारीडी जो टेम्पो स्टैंड है मेन मार्केट के बगल में, जो मैदान है वहीं पर ही का ये पंडाल है। तो आसपास के एरिया देखकर भी आप लोग समझ ही सकते हो। तो बिना टाइम पास के लिए विथ म्यूज़िक आप लोग इस पंडाल का दर्शन करो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब भी करो। फौजा बगान के सामने में ये पंडाल बनता है। इस बार काफ़ी पंडाल को सिंपल बनाया गया है और मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि डिज़ाइन वगैरह भी नहीं है और माता का मूर्ति का जो फेस पे है वो भी ढका हुआ है। तो मैंने आप लोगों को इतना सारा एरिया का दिखाया, अभी और भी कुछ कुछ एरिया का बाकी है, ज़रूर दिखाऊंगा। तो वीडियो में यार बने रहो, सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से। सो ये जो बेसिकली आप पंडाल देख रहे हो, ये इवनिंग क्लब, जैसा कि इसके ऊपर में ही लिखा हुआ है द इवनिंग क्लब। और यहाँ पर आप पंडाल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनता है, देख सकते हो यहाँ पर कोट्स लिखे रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के, महात्मा गांधी के, श्री श्री चंद्रशेखर आज़ाद के, भगत सिंह के, सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है। आई मीन टू से पूरा तरह से कोट्स लिखा हुआ है उनका। सो आप लोग इसे देखो पंडाल को और माता का दर्शन करो विथ म्यूज़िक। और ये जो आप अभी जो सेकंड पंडाल देख रहे हो, ये जो टेल्को का एरिया का है ये, जी हाँ, यहाँ से टेल्को का सीरीज़ होगा इस पंडाल में और बाघ बेड़ा का भी। ये जो बेसिकली टाटा मोटर जो है उसके जस्ट बगल में एक गली जाता है, जैसे कि टेल्को का गड्ढा मैदान बोला जाता है, ये वहीं का ये पंडाल है। तो देख सकते हो पंडाल पूरा तरह से एल्यूमिनियम फॉइल के हेल्प से बनाया गया है, पूरा तरफ से आपको जो सिल्वर सिल्वर दिख रहा है अभी कलर नहीं है, सारा का सारा एल्यूमिनियम फॉइल है। सो कलर भी है बट अधिकतर यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का ही यूज़ किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चमक आ सके। तो इस पंडाल को भी आप लोग देखो और माता के प्रतिमा का दर्शन करो। वेल, ये टेल्को का काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया है। अगर आप लोग जमशेदपुर या टेल्को से हो तो आप लोग इस एरिया को देख करके ही पहचान गए होंगे। जी हाँ, बताओ यार कौन सा एरिया है। ये है सबूज कल्याण का मैदान और जस्ट बगल में यहाँ पर पंडाल मेला काफ़ी बढ़िया लगता है, यहाँ पर बड़ा मेला लगता है।
और यहाँ पर पंडाल नहीं बनता है, यहाँ पर ही आपका हॉल के अंदर में ही माता की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। और देख सकते हो यहाँ पर ही माता का मूर्ति रखा हुआ है, आप लोग भी दर्शन कर लो दूर से ही। और ये काफ़ी बड़ा हॉल है, यहाँ पर भीड़ जो है वो सैकड़ों और हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं यार गलती से मुँह से निकल गया मेरा, थाउजेंड्स ऑफ से भी ज़्यादा पीपल यहाँ पर ऑलरेडी एवरी टाइम हर शाम को अवेलेबल रहते हैं। सोच सकते हो क्या यहाँ का नज़ारा होता होगा। देखो इसे भी आप विद म्यूज़िक। और जैसे ही आप सबूज कल्याण से आगे की ओर आओगे तो आपको गोपेश्वर पार्क दिखेगा, और गोपेश्वर पार्क के सामने में ये जो ऑफिस देख रहे हो, और इस ऑफिस के जस्ट सामने में एक छोटा सा मैदान है, और यहीं पर इस पंडाल को बनाया गया है। जी हाँ, ये टेल्को का ही एरिया है गोपेश्वर पार्क के सामने वाला। ये देखो शिवलिंग जो है वो पानी के ऊपर में तैर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हर हर महादेव बोल दो यार, हर हर महादेव। और ये टेल्को का सेकंड पंडाल है, ये जस्ट उस ऑफिस के पीछे में, यानी कि गोपेश्वर पार्क के बगल में जो एक ट्रक मैदान पड़ता है, काफ़ी फेमस है ये टेल्को का ट्रक मैदान, और वहाँ पर इस पंडाल को बनाया गया है। देख सकते हो काफ़ी अच्छा पंडाल है, आई मीन टू से काफ़ी शांति रहता है यहाँ पर, छोटा मोटा मेला भी लगता है और स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर शाम के टाइम में अवेलेबल रहता है। अब दर्शन करके यहाँ पर आप लोग ज़रूर से आ सकते हो अपने, मतलब जो भी किड्स हैं आपके घर में उनके साथ में, और यहाँ पर आप लोग इन्जॉय अपना टाइम स्पेंड पीसफुली तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो देखो इस पंडाल को भी विद म्यूजिक। और ये जो पंडाल जो आप देख रहे हो रोड के उस तरफ में, ये ट्यूब कंपनी के जो मेन गेट है, जस्ट ट्यूब कंपनी के सामने में ये पंडाल को बनाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा पंडाल बनता है हर साल यहाँ पर ही, और देख सकते हो दूर से ही आप लोग दर्शन कर लो
इस पंडाल का भी। उसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ स्पेशल पंडाल की ओर, और वो स्पेशल पंडाल आ गया। जी हाँ, ये है गोल पहाड़ी के जस्ट बगल वाले लाइन में ये पंडाल बनता है, और ये पंडाल सच में स्पेशल है। बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें डिटेल्ड वाइज इस पंडाल को बनाया जाता है। कोई सबसे ज़्यादा मुझे अगर डिटेलिंग लगा किसी पंडाल में ना, तो वो एग्रिको के बाद में इसी पंडाल में मुझे लगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है यार, पूरा एलिफेंट इतने में। चलो आपको मैं सामने सामने से दिखा रहा हूँ, आप लोग पूरा दर्शन करना, और आपको इतना ज़्यादा इस पंडाल को देख करके इन्जॉय आप लोग करोगे ना, इतना ज़्यादा आप लोग मतलब शौक हो जाओगे यार, इतना खूबसूरत पंडाल भी बन सकता है। तो चलो सामने सामने से मैं आपको दिखाता हूँ विथ म्यूज़िक, देखो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और ये जो पंडाल आप देख रहे हो, ये बागबेड़ा का ये पंडाल है, बद्रीनाथ धाम के बेस पे इसे बनाया गया है। लाल बिल्डिंग के पास में ये पंडाल को बनाया जाता है। लाल बिल्डिंग बेसिकली कोई लाल बिल्डिंग है नहीं, लाल बिल्डिंग था पहले, अब उसे पीला कर दिया गया, बट स्टिल उसका नाम अभी भी लाल बिल्डिंग ही है। देख सकते हो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, और जस्ट इस स्टॉल के पीछे में ही वो बिल्डिंग सब है, काफ़ी पुराना पुराना बिल्डिंग है रेलवे का। सो चलो अभी इस पंडाल का दर्शन करो बद्रीनाथ धाम का, हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको दिखाएंगे विद म्यूजिक, आप लोग देखो इसे भी। Thank you.
और ये जो अभी आप जो ये पंडाल देख रहे हो, ये इसरो के बेस पर इस पंडाल को बनाया गया है। इसरो का जो रॉकेट लॉन्चर हुआ था अभी, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इस पंडाल को बनाया गया है। देख सकते हो बगल में मोदी जी भी खड़े हैं और बीच में हम लोग का शेर है। मोदी जी भी वैसे यार शेर ही हैं। और देख सकते हो हमारा प्यारा झंडा लहरा रहा है और हमारे बगल में चंद्रयान 3 रॉकेट लॉन्चर भी है। ये भी काफ़ी यूनिक तरीके से पंडाल को बनाया गया और ऊपर में बहुत सारे एलियन वगैरह भी हैं और अंदर में भी आपको एलियन के बहुत सारे फ़ोटो दिखाई देने को मिलेंगे और माता की प्रतिमा का भी दर्शन होगा। सो चलो आप लोग विद म्यूज़िक इसका भी दर्शन करो, इस पंडाल का भी। और ये है द मोस्ट फेमस जमशेदपुर का बिहारी पूजा पंडाल। देख सकते हो यहाँ पर ही जमशेदपुर का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला जमशेदपुर में। इससे बड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़, इससे ज़्यादा बड़ा मेला, इससे ज़्यादा राइड्स, झूला, ये सब कहीं भी नहीं लगता है। और यहाँ पर पंडाल का जो मतलब भीड़ लगने का सबसे बड़ा जो रीज़न ये है, बिकॉज यहाँ पर कि दो पंडाल बनते हैं, एक बिहारी पूजा पंडाल और जस्ट इसके बगल में बंगाली पूजा पंडाल। मैं उसका भी आपको दर्शन जरूर करवाऊँगा। तो विथ म्यूज़िक आप लोग इस पंडाल का दर्शन करो और मेला वगैरह को भी साइड से देख लो, कितना बड़ा मेला है, हर कुछ डबल यहाँ पर लगता है। और ये रहा बंगाली पूजा पंडाल, जस्ट बिहारी पूजा पंडाल से 20 मीटर दूरी पे ये पंडाल बनता है, सेम मैदान में ही। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर सबसे बड़ा मेला क्यों लगता है। होप आप लोग समझ चुके होंगे, देख सकते हो बहुत बड़ा मेला यार जमशेदपुर में, इससे बड़ा मेला आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो मेरा लास्ट था, ये पंडाल भी लास्ट था। अब आप लोग का काम है कि यार आप लोग ये सीरीज़ पसंद आया तो यार प्लीज़ यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। वैसे मैं सारे के सारे सीरीज़ को मैं जोड़ करके एक मेगा सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ इन सभी पंडाल का, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा, अगर आप लोग एक साथ सब पूरा वीडियो देखना है तो वो भी आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छा लगा होगा। बाय बाय, जय हिंद।